टू माय चैनल इंजीनियर्स माइंड। मैं हूं इंजीनियर प्रकाश और आज मैं आपको एक बड़े ही अलग तरह के स्टोरेज के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्लाउड स्टोरेज की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंजीनियर्स माइंड। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल इंजीनियर्स माइंड को और बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स देखने के लिए। फ्रेंड्स, अब वो जमाना गया जब हम अपनी जो फोटोज हैं, अपनी फाइल्स हैं, वो हार्ड डिस्क या हम कहीं रिमूवेबल डिस्क या यूएसबी ड्राइव, इन सब पे स्टोर किया करते थे। आजकल जमाना आ गया है क्लाउड स्टोरेज का। क्लाउड स्टोरेज जो है वो एक इंटरनेट पे स्टोरेज है। आपके पास कोई फिजिकली डिवाइस नहीं है, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपकी जो फाइल्स है, आपकी फोटोग्राफ्स हैं, जो भी आपके कंप्यूटर में है या जो भी आप बनाते हैं, उसको आप ओवर इंटरनेट जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, और इसी को नाम दिया गया है क्लाउड स्टोरेज का। और इसका अगर हम इसकी बात करें, क्लाउड स्टोरेज को यूज करने की बात करें, तो हर साल इसको ये डबल हो रहा है। मतलब जितने लोग पिछले साल यूज कर रहे थे उससे डबल लोग जो है इस साल यूज कर रहे हैं। मतलब ये काफी जो यूज में आ रहा है, काफी लोगों को अच्छा लग रहा है इस तरह का स्टोरेज। तो आइए जानते हैं इसकी कुछ खास बातें। फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे गूगल ड्राइव है, या आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, या मीडिया फायर है, या पी क्लाउड है, ये इस तरह की सर्विसेज हैं जो आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। आजकल हम हर जगह सुनते हैं कि हाँ, ये मेरी फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड है, और हम एक जस्ट लिंक भेज देते हैं और कंसर्न पर्सन जो है आपका वहीं से उस फाइल को डाउनलोड कर लेता है। आपके पास कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन आपके पास फिर भी स्टोरेज है। तो आइए जानते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है। जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है बैंडविड्थ। इसमें क्या है कि अगर हमको कोई फाइल किसी को मेल करनी है या किसी को भेजना है, तो हम अगर उस फाइल को गूगल ड्राइव या कहीं किसी जो क्लाउड स्टोरेज है उस पर अपलोड हमने कर रखा है, तो उसका जस्ट हम लिंक सेंड कर देते हैं, और कंसर्न पर्सन जो है वो कहीं दूर से उस लिंक के थ्रू उस डिवाइस को डाउनलोड कर लेता है। मतलब कहने का ये है कि आपको पूरी की पूरी फाइल यहाँ से वहां नहीं भेजनी पड़ती है, आपने जस्ट एक लिंक भेज दिया और आपका काम हो गया। जो दूसरी एडवांटेज है वो है एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो अगर हम जैसे नॉर्मल स्टोरेज डिवाइसेज हमारे पास हैं, कोई हार्ड डिस्क है, कोई यूएसबी ड्राइव है, उसको हमको कैरी करना पड़ता है और हम उससे फिर डेटा अपना फेच करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपको जहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल होगा वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप वहां से इसको फेच कर सकते हैं, आप यहाँ वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई प्लेस नहीं है, आप जहां पे भी इंटरनेट होगा वहां से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, वो है डिजास्टर रिकवरी का। जनरली हम लोग अपने फोटोग्राफ्स, अपने फाइल्स जो हैं, अगर हम रिमूवेबल हार्ड डिस्क में रखते हैं या कहीं पे सीडी में रखते हैं या डीवीडी में रखते हैं, तो होता क्या है कि अगर वो करप्ट हो गई, वो उसका कोई कुछ डैमेज हो गया, तो फिर फाइल जो है रिकवर नहीं होती है। वो एक बहुत बड़ा आपके वर्षों की जो स्टोरेज है वो बेकार हो जाती है। इसमें एक बड़ा फायदा है कि आपने जो स्टोर कर दिया है वो उनका काम है जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उसका बैकअप लें, उसको कैसे मैनेज करें, वो सब उनका काम है, आपका कोई हेडेक नहीं। आपने एक बार अपलोड कर दिया तो आप सेफ हैं। तो ये हमेशा आपकी फाइल जो है वो रिकवर हो जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, जो एडवांटेज है इसका, कि कास्ट सेविंग। आप स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं अगर पर्सनल सेविंग के लिए, या कोई आजकल बिजनेस हाउसेज भी इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो क्लाउड स्टोरेज है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अपनी पर्सनल डिवाइसेस को खरीदते हैं, तो उसकी कास्ट काफी आती है। लेकिन अगर हम उसको क्लाउड स्टोरेज पे रखते हैं, जो भी आपका आपकी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी कास्ट जो है बहुत ही मिनिमम आती है, और ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लाउड स्टोरेज का। फ्रेंड्स, अब आइए बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, कि क्लाउड स्टोरेज की डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम बात करें तो एक इसका एक जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन फेच करनी, तो उसकी एक लिमिटेड बैंडविड्थ है। अगर उसके ऊपर आप यूज करेंगे बैंडविड्थ, तो आपको एक उसका चार्ज लगेगा, उसका एक पैसा आपको देना पड़ेगा, तो वो एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप। दूसरा ये है कि एक्सेसिबिलिटी जहाँ एडवांटेज है वहीं डिसएडवांटेज भी है। अगर आपने कोई फाइल इंफॉर्मेशन उस पर या कोई डेटा या कोई फोटोग्राफ अपलोड कर रखा है और आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। नो इंटरनेट नो डेटा, ये ऐसी वाली बात हो जाती है आपके लिए। तो एक तरह से कहें तो आप कहीं पर भी जहाँ भी इंटरनेट है वहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इंटरनेट नहीं है वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह का डिसएडवांटेज भी है। और जो तीसरी बात है वो है डेटा सिक्योरिटी की, कि आप हर इंफॉर्मेशन, हर फाइल उस पर अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि
ये कितना सेफ है, कितना इनक्रिप्टेड है, डेटा लीक होने के चांसेस कितना है, ये सब आपको बहुत कुछ आपको पता नहीं होता है। तो आप जो है बहुत ही जो आपकी प्राइवेट फाइल है, जो आपकी बहुत ही पर्सनल फाइल्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं या जो भी और स्टोरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, वो आप उसको उस पर नहीं रख पाते हैं। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और जो लास्ट डिसएडवांटेज में हम कहें या जो नुकसान है या जो जो इसमें पॉसिबल नहीं है, वो ये कि आपने कोई फाइल अगर उस पर अपलोड कर रखी है और आपको उसको मॉडिफाई करना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, सपोज हमने एक फोटोग्राफ अपलोड कर रखी है और हम उसको एडिट करना चाहते हैं, या हमने कोई वीडियो अपलोड कर रखी है उसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो बिना डाउनलोड किए उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने 4-5 कंप्यूटर्स में उसको एडिट करना है या कोई और तरह का एप्लीकेशन है, तो आपको पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उसको एडिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम अगर कंक्लूड करें तो एडवांटेज बहुत सारे हैं, डिसएडवांटेज थोड़े बहुत हैं, और इसीलिए इसको आजकल जितने बिजनेस हाउसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, और इवन पर्सनल लेवल पे भी क्लाउड स्टोरेज का खूब यूज किया जा रहा है। हम लोग गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव का खूब यूज करते हैं। कुछ जो कंपनीज हैं उसको एक पर्टिकुलर लिमिट तक 5GB 10GB तक आपको फ्री में प्रोवाइड करती हैं, उसके बाद उसके चार्जेस लेती हैं, लेकिन वो चार्जेस भी बहुत मिनिमम है। इसीलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं बड़े बड़े, वो क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, और एक बहुत बड़ा हेडक आपके आपके पास से चला जाता है, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं है कि हमारा डेटा कैसे रखा जाएगा, उसका बैकअप कैसे लिया जाएगा। ये जो कंपनी आपको क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है, ये उसका काम है। तो इसीलिए इसका हम देख रहे हैं यूज काफी बढ़ रहा है, और आगे भी आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही इंक्रीज करेगा। हम लोग शायद हार्ड डिस्क और आपका USB पेन ड्राइव और CD ड्राइव, DVD ड्राइव, ये सब शायद यूज करना बंद कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्लाउड स्टोरेज के ऊपर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर्स माइंड।